तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं बीटा फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है बीटा ऑफ एन एन, अपन को प्रूव करना है वो किसके इक्वल है, रूट ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 n-1 मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन प्लस हाफ। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, पहले तुम ट्राई करना फिर देखना। तो यहाँ पे बीटा ऑफ एम एन अपन को पता है कि क्या होता है, 0 to 1 x की पावर m-1, 1 minus x की पावर n-1 dx। अब यहाँ पर अपन क्या करता है, मैंने तुम्हें रिजल्ट डिराइव करके बताया था लेकिन मैं यहाँ पर एक वापस वो रिजल्ट डिराइव कर देता हूँ। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, तो dx इज इक्वल टू यहाँ पे 2 sin theta cos theta d theta आ जाएगा। एंड अपना जो इंटीग्रल है यहाँ पे 0 to π/2 में हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन थीटा की पावर 2m-2 हो जाएगी एंड cos थीटा की पावर 2m-2 एंड dx की जगह यहाँ पे 2 sin theta cos theta d theta। एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये n आएगा इधर 2n-2, तो यहाँ पे 2n-1 d theta इस तरीके से आ जाएगा। और अपन को ये भी पता है कि जो बीटा ऑफ एम एन है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, गामा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, सो गामा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये बीटा ऑफ एम एन होता है और ये इसके इक्वल भी अपन ने देख लिया कि 2 tan 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 एंड कॉस थीटा की पावर 2n-1 d थीटा, इस तरीके से भी अपन लिख सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख रहा हूँ, 2 रेज टू पावर 2n-1, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा कि m इज इक्वल टू n पुट करने पर, क्योंकि अपन को बीटा ऑफ n n निकालना है, तो ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एन की जगह एन आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो इस टाइप से बन जाएगा 2 tan sin theta cos theta raise to power 2n-1 d theta इस तरीके से। और ये हो जाएगा फिर सिंप्लीफाई होकर 2 divided by 2 raise to power n-1 0 to π/2 sin 2 theta की पावर दिस। तो इतना हो गया अपने पास। तो यहाँ पर अपन एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 2 a f(x) dx इज इक्वल टू 2 times 0 to a f(x) dx हो जाता है जब f(2a-x) f(x) के इक्वल होता है। तो वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहा है क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ पर जो साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा ही हो जाएगा सिंपली, जब यहाँ पर अपन ऐसे करेंगे अगर साइन ऑफ 2a-x देखेंगे तो यहाँ पर तो वो ये आएगा एंड सिंपली वो इस चीज के इक्वल ही हो जाएगा। सो ये बेसिकली यहाँ पर अपना अपना ये होगा। तो अब यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो π/2 है, सो π/2 है, तो इसको पहले तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपन को यहाँ पे 2 थीटा को 5 पुट करना पड़ेगा ताकि जो अपना इंटीग्रल है वो यहाँ पर 0 to π में कन्वर्ट हो जाए। सो उसके बाद जो अपना इंटीग्रल है वो इस टाइप का आ जाएगा और हाफ यहाँ पर आ जाएगा। और अब तुम यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर सकते हो, सो ये चीज अप्लाई करने के बाद ये वापस 2 times हो जाएगा एंड अब ये 0 to π/2 हो जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि 2a की वैल्यू यहाँ पर पाई है, तो a यहाँ पर π/2 हो जाएगा और तुम्हारे पास ये हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया है यहाँ पर और सिर्फ अपने पास इधर क्या बचा, 2 divided by 2 raised to power 2n-1 इस तरीके का बचा। और इसके बाद अपन ये वाली चीज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अपन सिंपली देखे तो अपना क्या बन रहा है, यहाँ पर 2n-1 ये वाली चीज बन रही है, तो
अपना जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पर मैं एम की जगह एन पुट कर देता हूँ और एन की जगह यहाँ पर हाफ पुट कर देता हूँ, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी क्योंकि कॉस की पावर नहीं है। सो ये जो चीज है अपनी यहाँ पर इस टाइप की बन जाएगी, गामा ऑफ एन एंड ये गामा ऑफ हाफ एंड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एन प्लस हाफ एंड यहाँ पर ये जो 2 है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, और ये चीज जो अपना यहाँ पर इंटीग्रल आ रहा है उस चीज के इक्वल हो जाएगी। तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 2 एन माइनस 1 गामा ऑफ एन गामा ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एन प्लस हाफ, और यहाँ पे 2 भी है। सो अपन को पता है ये 2 तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ पाई होती है, ये चीज अपन को पता है। सो ये चीज अपन को पता है, और यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो सिंपल इस तरीके का आ जाएगा अपने पास। सो इस तरीके से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा हो तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।